पुशतों का है एजुकेशन के अंदर ना पाकिस्तान को पचहत्तर साल हो गए पाकिस्तान का को कोई बच्चा जाता है बाहर आ, मास्टर्स करने के लिए सम समेत फील होता है कि जो उसने ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन में जो चीज़ पढ़ी है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है स्ट्रगल कर रहा होता है जबकि आपने अपोजिट देख लिया कंट्री में इंडिया में आई है वो एक क्वालिटी इंस्टीट्यूट बन चुका है तो पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं बना सका कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर जाके इंटरनेशनल रिकगनीशन उसकी हो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी इंस्टीट्यूशन हैं एंड दे आर लेट से आईलैंडस ऑफ एक्सेलेंस मतलब अगर आप नॉर्थ से शुरू करें तो आपके पास नस्ट है एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जी आई के है एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है लाहौर के अंदर अगर मेडिसिन में देखें किंग एडवर्ड है बहुत अच्छा है लम्स इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी यू ई टी इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी साउथ में आए तो अच्छे ऑपरेट कर रहे हैं दे आर गुड वहाँ पे एडमिशन लेना मुश्किल भी है लेकिन होता है ना टॉप नॉच पे जाना जिससे आप जिस तरह बाहर एम आई टी कहते होते हैं इंडिया जाना जाता, जाता है आई आई टी जाना जाता है पाकिस्तान में कोई ये नहीं कहते जी आई के तुम ग्रेजुएट हो या तुम लम्ब से ग्रेजुएट हो बहुत कम लोग कहते हैं तो उस तरह का कहाँ पे हमें कोई आ, फेलियर किया या डिसीजन हमने गलत लिया कहाँ पर हम गलत गए हैं देखिए एक तो ये जो कम्पेटनेस होती है ना कि फर्ज करें आई आई टी में एक लाख लोग अपलाई कर रहे हैं अब मैंने आई आई टी को स्टडी किया है ये आई आई टी वीज़ आई के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पहली प्रेफरेंस होती है कि वो लेट से कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे फिर उनके होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे फिर होती है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे अच्छा नाइनटी परसेंट ऑफ पीपल हु एंटर आई डू नॉट गेट इनटू टू देर डिज़ायर्ड डिग्री अब वो क्या पढ़े होते हैं वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़े होते हैं वो क्या पढ़े होते हैं वो और सोशल साइंस की डिग्री पढ़े होते हैं लेकिन उन पर ठप्पा लग जाता है आई आई टी का है. इस पर पूरी जो है ना एक डॉक्यूमेंट्री है वो मैं आपसे शेयर भी करूँगा वो आप देखें कि जो डिससेटिस्फ़ैक्शन है आई आई में लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है अब जो फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है ना जितना आपका अच्छा फिल्टर होगा ना लेट से जो आपकी छन्नी है ठीक है अगर उसमें इतने बड़े छेद होंगे तो इतनी चीज़ ऊपर रुकेगी बाकी नीचे अगर उसमें इतना सा छेद होगा तो इसके अलावा जो बड़ी चीज़ होगी वो फंस जाएगी बाकी नीचे चली जाएगी अब इंडिया के अंदर आप देखें कि 100 120 करोड़ लोग हैं और उनमें उन्होंने 10 यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं और वो हाईली कम्पेटिव और हाईली सेलेक्टिव है तो जो क्रीम अलग क्रीम है वो उसमें जाती है हमारा भी जो टॉप ग्रेजुएट है और जो टॉप समझे स्टूडेंट है वो किसी आईआईटी के स्टूडेंट से कम नहीं है और वो दुनिया के अंदर जो लीडिंग जॉब्स हैं आप देखें कि जो मर्सिडीज़ के अंदर वीपी ऑफ इंजीनियरिंग है डेम्बलर uh, बेंस में वो पाकिस्तानी है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत वी पीज हैं वो पाकिस्तानी है हमारे अपने स्टूडेंट जो हैं वो टेस्ला में जॉब कर रहे हैं आपके अपने यूनिवर्सिटी जिधर से आप पढ़े हैं दुनिया की हर टॉप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं हेल्थ में देखें हेल्थ केयर में पाकिस्तानी डॉक्टर्स दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं मतलब आप जिस फील्ड के अंदर आप टेक के अंदर देखें जो पाकिस्तान के अंदर रेवोल्यूशन आ रही है और जो अब हमारे पास एक मोमेंटम बन रहा है ये इनशाला इन अ फ्यू इयर्स आप देखेंगे कि वी विल बी द नेक्स्ट ग्लोबल हब फॉर आईटी एंड मैनी अदर सेक्टर्स तो एक तो ये है कि ऑबियसली बिलीफ होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर और घर की मुर्गी दाल, दाल बराबर, बराबर। ये नहीं होना चाहिए हमारे पास क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस भी हैं हमारे पास बेस्ट ब्रेंज हैं देखें कि मेयर ऑफ लंडन जो है वो पाकिस्तानी औरजन का है मतलब आप दुनिया में कहीं भी किसी भी चीज़ को मतलब ऑस्कर अगर हमने ले लिया है ग्रैमी अवॉर्ड हमें मिल गया है